इंदौर का जामगेट एक इलाका है इंदौर से कुछ दूरी पर, वहां दो आर्मी ऑफिसर ट्रेनी जाते हैं अपने दो महिला मित्रों के साथ। उसके बाद वहां पर उनके साथ मारपीट होती है और इतना ही नहीं, एक महिला मित्र से गैंगरेप के कथित मामला भी सामने आता है। घटना पर्यटक स्थल जामगेट मऊ पर मंगलवार रात करीब 2:30 बजे की है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और 6 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बाकी आरोपी फरार चल रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए ग्राउंड से। ट्रेनी आर्मी ऑफिसर्स और उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ लूटपाट और गैंगरेप की घटना इसी स्पॉट पर हुई थी। विस्तार न्यूज पहुंचा है ग्राउंड जीरो पर। यह वह जगह है जहां पर रात 2 बजे दोनों ट्रेनी आर्मी ऑफिसर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पहुंचे थे। रात को यहां बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, लेकिन सड़क से गुजर रहे बदमाशों को उनकी कार की लाइट नज़र आई और वे लूट के उद्देश्य से इस जगह पर पहुंच गए। इस जगह पर पहुंचने के बाद आर्मी ऑफिसर्स के साथ मारपीट की गई, उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ मारपीट की गई और 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। फिरौती लेने के लिए एक आर्मी ऑफिसर और उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ से आरोपियों ने छोड़ा था। दोनों जब यहां से निकले तो पहले अपनी आर्मी यूनिट को इन्फॉर्मेशन दी, साथ ही बड़गोंदा पुलिस को भी इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग गए। इस दौरान जिस एक कपल को बंधक बनाकर रखा था उस आर्मी ऑफिसर के साथ जमकर मारपीट की गई और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गैंगरेप किया गया। इस तरह की शिकायत भी पुलिस में दर्ज करवाई गई है। मध्य प्रदेश की इस घटना पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने इस घटना का जिक्र करते हुए प्रदेश सरकार पर, बीजेपी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और इंदौर के मऊ में हुए दो आर्मी ट्रेनी ऑफिसर्स और उनके महिला मित्र के साथ लूटपाट मारपीट जैसे मामले को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। एमपी को लेकर उन्होंने कहा है कि सेना के दो जवानों के साथ हिंसा, उनके महिला साथी के साथ दुष्कर्म पूरे समाज को शर्मसार कर देने के लिए काफी है। बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था लगभग अस्तित्वहीन हो चुकी है, ये कहना है राहुल गांधी का।